छोटे बच्चा से लेके बुजुर्ग तक सभी का मन पसंदीदा मैश पोटैटो। नमस्कार, मैं हूँ शेफ शीतल, आप देख रहे हैं शेफ किचन आर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दो पीस पोटैटो, वेट 300 ग्राम मैंने छील लिया है। उसके बाद एक का चार पीस मैंने काट कर लिया है। सारे पोटैटो मैंने पानी में डाल के रख दिया और थोड़ा सा पार्सली मैंने फाइन चॉप कर लिया। अगर आपके पास पार्सली अवेलेबल नहीं है तो मत डालिए। आलू बॉयल करने के लिए सॉसपैन में थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया और मीडियम फ्लेम में इनको रखना है। हाफ टी स्पून बराबर नमक मैंने ऐड किया और अच्छा से मिक्स कर लिया। अभी सॉसपैन मैंने कवर कर लिया ताकि आलू जल्दी पक जाए। 2 से 3 मिनट के अंदर आलू पक जाते हैं। मैंने टूथपिक से एक बार चेक कर लिया, फाइनली पोटैटो पक चुका है। तो एक एक करके सारे आलू निकल के प्लेट में रख दिया है। मैंने ग्रेटर ले लिया, सारे आलू बारीकी से ग्रेट कर लेना है आपको। इसी में ऐड होगा फाइन चॉप किया हुआ पार्सली, 1 टेबल स्पून बटर और 2 टेबल स्पून बराबर क्रीम। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, फिर इनको अच्छा से मिक्स कर लेना है। देखिए इसी तरह। फ्राई पैन धीमी आंच में रखना है आपको और इसी में पकाना है 2 से 3 मिनट। कंटिन्यू मिक्स करते जाना है, रुकना नहीं आपको, वरना पोटैटो जल जाएगा। मैश पोटैटो रेडी हो गया। प्लेटिंग के लिए मैंने एक प्लेट ले लिया और बीच में मैंने मोल्ड रख दिया है और इसमें जाएगा सारे मैश पोटैटो। देखिए इसी तरह आप लोग डाल दीजिएगा और आप चाहे तो आपका हिसाब से भी आप प्लेटिंग कर सकते हो। इसका टॉपिंग में जाएगा लिटिल बिट अमूल क्रीम, ब्लैक ऑलिव्स एंड बेसिल लीव्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड बाय बाय।